हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप आज 10 ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम आज इन क्वेश्चनों को देखते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। देखिए, परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये नहीं जरूरी है कि बहुत लंबे चौड़े या बहुत कठिन हो, ये जरूरी नहीं है। परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं वो सचमुच बहुत आसान आते हैं। अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते, बल्कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है या आपने अभ्यास कितना किया है उसकी जरूरत है। अगर आपने अभ्यास किया है तो क्वेश्चन को पढ़कर आप तुरंत समझ जाते हैं, आपके दिमाग में बात आ जाती है कि हमको ये ट्रिक इसमें लगानी है या इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। और आप अगर अभ्यास नहीं किए हैं तो फिर आप परेशान होते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए, मैथ जो है अभ्यास का ही है। आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, उससे आपको फार्मूले भी आपके दिमाग में बनेंगे और हमेशा बने रहेंगे, और आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि हमें इसमें करना क्या है। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। देखिए, हमारा जो भिन्न है जो हमें दिया गया है वो है 5/6, और हर मीन्स नीचे वाला, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर। तो हर में से हम क्या घटा दें कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए, मतलब परिणाम जो है, आंसर जो है वो 1 आए। तो आप जरा देखिए, हर मीन्स नीचे वाला, नीचे 6 है। अगर 6 में से हम 1 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा तो 5 से 5, ऊपर 5, एक कम 5 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा आंसर। और आप जरा देख लें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5/6 है, हर में से 1 घटाएं तो हो जाएगा 5/5, और 5 में से 5 को आप भाग दे देंगे 5 से 5 को, तो 1 बार जाएगा आंसर हमारा, 1 आ जाएगा। तो देखिए, कभी कभी आप जो है, जो ऑप्शन दिए हैं आप इनको भी देखकर कर सकते हैं कि पहले ऑप्शन को अगर आप रखते हर में से 1 घटाते तो 5 आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 घटाते, तो इस तरह से भी आप जो ऑप्शंस दिए रहते हैं इनसे भी आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हम क्या करें और हमारा आंसर इस प्रकार से मिल जाए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो देखिए, विषम प्राकृतिक संख्याओं का, विषम संख्याएं हैं लेकिन प्रथम कह रहा, प्रथम को आप ध्यान रखना है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। तो प्रथम 35 हम पूरी लिखेंगे नहीं, क्योंकि लंबा समय लगेगा, तो हम इसके लिए जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम जरा ध्यान दें कि विषम संख्याएं क्या होती हैं ये आपको आना चाहिए, और सम संख्याएं क्या होती हैं ये आपको जानना चाहिए। सम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, और विषम संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। देखिए, जो हम गिनती जो हमने पढ़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, इसमें एक सम, एक विषम, एक विषम, एक सम इस तरह से आपको मिलेगी, मतलब एक के बाद फिर दूसरी। जैसे अगर पहले विषम है तो फिर आपको दूसरी क्या मिलेगी, सम, फिर तीसरी विषम मिलेगी, फिर चौथी सम मिलेगी। तो इस प्रकार से देखें, आप जो है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। इसके लिए आप समझ लें कि विषम संख्याएं जो होंगी उनका जो क्रम होगा वो क्या होगा। तो माना विषम संख्याएं, माना प्रथम विषम संख्याएं, 35 की बात है तो हम 35 तो नहीं पूरा पूरा यहां लिखेंगे, लेकिन हम प्रथम विषम संख्याएं 2-4 यहां कुछ लिख लें। तो विषम संख्याएं जो होंगी वो होंगी शुरुआत से, तो 1 और 3, फिर
फिर 5, 7... ऐसी 35 विषम संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। विषम संख्याओं का सम मीन्स योग। तो चलिए हम विषम संख्याओं को लिखते हैं कि इस प्रकार से विषम संख्याएं होती हैं। तो श्रेणी जो बनेगी इनसे क्या बनी, 1, 3, 5, 7 और इसी प्रकार से 35 तक, मतलब 35 संख्याएं। ये कितनी संख्याएं होगी, 1, 2, 3, 4 और आगे जो है अभी हम 35 तक और हम करेंगे जिनका योग हमें निकालना है, लेकिन हमको लिखना नहीं है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जरा देखें कि इसमें ये श्रेणी बन गई, क्या बन गई, ये हो गई श्रेणी या श्रेणी जो भी आप लिख लें। और पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या को हम ए से लिखते हैं और डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस जो है आएगा 3 ऋण 1 मीन्स 2। और जरा देखें 5 में से भी 3 घटाएं तो 2 ही आएगा और 7 में से भी 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है, एपी में है। अब ये समांतर श्रेणी है तो हमने ए निकाल लिया प्रथम पद और क्या ये आपका सर्वांतर है डी मीन्स 2। अब जरा हम फॉर्मूले को यूज करें किसके लिए, योग के लिए। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n पदों के योगफल का यह फॉर्मूला है, n by 2 और 2a plus n minus 1 into d। इस प्रकार से यह फॉर्मूला हो जाएगा, SN इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। देखिए यह योगफल का फॉर्मूला है। तो आप n इज इक्वल टू क्या है, n मींस पदों की संख्या कितनी है, बस आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप आसानी से आप कर सकते हैं। एस एन मीन्स 35 और यहां भी 35/2 और आप लिख लेंगे 2 × 1 प्रथम पद है प्लस एन मीन्स 35 × 1 और डी की वैल्यू रख देंगे 2। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 35/2 और 2 × 1 = 2 धन 35 में से 1 घटा देंगे आएगा 34 और 34 में जोड़ दें 2 तो कितना हो जाएगा, रुकिए अभी नहीं, सॉरी गलती हो गई। तो क्या करेंगे, अभी हमको देखेंगे कि जब ये 35 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 34 और गुणा ये 2 है तो 34 में 2 से हमें गुणा कर देना है। तो जब 34 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68, 34 × 68 और 68 में ये 2 × 1 = 2 ऐड करना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो 68 और 2 कितना हो जाएगा, 70। अब जरा देखें 2 से हम 70 को भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, इसका मतलब 35 × 35 निकाल लेना, तो 35 × 35 जब हम करेंगे तो आएगा 1225। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे होंगे, बहुत आसान तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, यही तरीका है, यही फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चनों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन तो है जो आंसर से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना ही पड़ेगा फॉर्मूला लगाकर, तो फिर फॉर्मूले से ही हम उसको कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सभी तरह के क्वेश्चनों को आपको करने का मौका मिलेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको कह रहा है कि 6251 और 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल आपको ज्ञात करना है। अब जरा देखिए पहली जो आपको संख्या दी गई है इसमें 5 कहां है, यहां है, तो 5 का स्थानीय मान इसका जो निकालेंगे हम वो क्या आएगा, 5 के बाद जितने अंक, 5 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 10। यहां 5 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 20। यहां 5 के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। अब जरा देखिए ये तो हो गए 5 के स्थानीय मान,
पांच जहां जिस स्थान पर है उसका जो मान है वो ये है, ये स्थानीय मान हो गए, लेकिन इनका आपको योगफल बताना है। तो योगफल भी बिल्कुल आसान है, 5550 योगफल हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए हैं, ये ना सोचिए कि ये क्वेश्चन पता नहीं बहुत आसान है या कठिन है, ऐसा कुछ नहीं। अब आप सोचिए इतने आसान क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो परीक्षाओं में बहुत टफ क्वेश्चन ही आए ऐसा नहीं है, टफ तो आते ही नहीं है ये मानकर चलें, टफ नहीं आते, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन जो जटिल क्वेश्चन है वो नहीं आते, वो बहुत कम आते हैं। तो चलिए देखिए, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और उनका अनुपात 35/24 है, तो बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें भिन्न पता ही नहीं है, तो हम क्या करें, भिन्न हम समझ लें कि माना जो पहली भिन्न है वो है a/b और दूसरी भिन्न भी हम मान लें, क्या दूसरी भिन्न मान लें c/d। तो हमारी जो पहली जो शर्त है कि दो भिन्नों का गुणनफल कितना है 14/15, तो ये आएगा ac/bd इक्वल टू 14/15, मतलब इसको हम आगे और लिखेंगे तो ये हो जाएगा ac/bd इक्वल टू 14/15। चलिए दूसरी भी शर्त को देख लें, और उनका अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, इनका अनुपात किनका, जो दो हमने भिन्न माने, अनुपात का मतलब बटा और बटे का मतलब भाग, और भाग का मतलब गुणा कर दें, और भाग का भाग को जब हम गुणा में परिवर्तित करते हैं तो इनको उल्टा लिख देंगे, c/d जो था वो d/c हो जाएगा, ये गुणा भाग हो गया, भाग को गुणा में परिवर्तित कर दिया हमने। तो देखिए अनुपात था, पहले फिर से समझ लीजिए, था क्या दोनों का अनुपात, अनुपात इस प्रकार से दोनों का अनुपात था, और अनुपात का मतलब मैंने आपको बताया कि भाग आप समझें, बटा समझें, या भाग, भाग है तो भाग को गुणा में परिवर्तित करके इसको उल्टा कर देंगे, d/c कर देंगे। तो देखिए ये क्या, इतना करने पर क्या हमें, हमें क्या मिल रहा है, 35/24 जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने कर लिया इसको AD/BC इक्वल टू क्या 35/24। चलिए ये हमें अब जानकारी हो गई, दोनों तरह से हमने अपने हिसाब से जो हमने माना है, क्या जो हमने भिन्न माने उन भिन्न के अकॉर्डिंग हमने इनको लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है तो बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। अब बड़ी और छोटी का तो निर्धारण बाद में होगा, पहले हमें भिन्न ज्ञात हो जाए। तो चलिए हम क्या करें, हम जो है ऐसा करते हैं कि देखिए हमें जो है ज्ञात क्या करना है, भिन्न को, और भिन्न हमारी क्या है, a/b या c/d। अब ये ध्यान दें कि हमें ये प्राप्त कैसे हो सकता है, ये हमें कैसे मिल सकता है, इसके लिए हम चाहें तो ये अगर समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम गुणा भी कर दें तो भी हमें प्राप्त हो जाएगा एक भिन्न। चलिए हम देख लेते हैं, दोनों को गुणा करते हैं, तो गुणा अगर करते हैं तो ac/bd है और गुणा ad/bc और इक्वल टू, अब गुणा करना है तो इधर भी हमको गुणा करना है, और गुणा 35/24, इस प्रकार से हमने लिख लिया, गुणा हमने कर दिया। अब गुणा करने में क्या हो जाएगा, ये c से ये c कैंसिल हो जाएगा और ये d से ये d कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आप देखिए और क्या हो सकता है, इधर भी कुछ 3 5 15 या 5 से 5 3 15 और 5 7 35, समझ में आ रहा होगा। अब देखें जरा और क्या हो सकता है, 2 से भाग दें, 2 7 14
और 2 से इसको भी भाग देंगे तो आ जाएगा 12। हमें प्राप्त क्या होगा इसको सॉल्व करने पर, हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है a इंटू ए, जब करेंगे तो a गुणा a मतलब a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर बटा b गुणा b मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 749 बटा, देखिए 7 से 7 में गुणा होगा और 3 से 12 में 36 आ गया। अब हम a अपॉन b जब वैल्यू निकालें a अपॉन b की, तो क्या होगा दोनों पर, इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर रूट हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 49 बटा 36 रूट के अंदर। अब देखें जब 49 बटा 36 आ गया तो हम वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो 49 का आएगा 7 और 36 का आएगा 6, ए बी की वैल्यू आ गई 7 बटा 6, इसका मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू 7/6। और हमने ए अपॉन बी जो है क्या माना, हमने पहला भिन्न माना ए अपॉन बी, तो एक भिन्न तो हमें ज्ञात हो गई तो दूसरी भिन्न भी ज्ञात हो जाएगी। चलिए इसी समीकरण में, चाहे हम पहले ही समीकरण में रख दें, इसी में ए अपॉन बी की जगह पर हम रख दें क्या 7/6 गुणा सी बटा डी इक्वल टू 14/15 क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस डिवीजन। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्या करेंगे, 6 से ऊपर पूरा हो जाएगा और सी अपॉन डी इक्वल टू 14/6/7/15/7 7 एक कम 7, 7 दूना 14 और 3 दूना 3 पंजे 15, तो ये क्या आएगा 2 दूना 4 4/5 आया। तो अब C बटा D की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/5। ध्यान दें कि दोनों भिन्न में बड़ा कौन सा हो सकता है, तो जो ऊपर वाला बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला जैसे 4/5 है तो इसका मतलब 5 में से 4, तो 5 में से 4 मतलब पूरा नहीं है कम है, जबकि यहां देखें 7/6 का मतलब 6 में से 7 तो ये ज्यादा वैसे ही है। तो हमेशा ये ध्यान देंगे जब भिन्न में ऊपर अगर बड़ा है नीचे से तो वो बड़ा है। तो अब ऐसे भी हम ध्यान दें कि 4/5 और 7/6 में 5 में से 4 है तो कम है और 6 में से 7 है तो फिर 7/6 जो है आपको बड़ा मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहें इसको और भी तरीके से ज्ञात करना कि कैसे हम ज्ञात करें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसके लिए फिर आप क्या करें, आप 6 और 5 जो हर हैं इनका आप लघुत्तम ले लेंगे और इनका जब आप लघुत्तम लेंगे तो आएगा 6/5 30, 30 लघुत्तम हो गया तो ऊपर जो है क्या हो जाएगा 5/6 30, 6 से ऊपर गुणा करेंगे 6/6 24 और 6 से इसको भाग देंगे 6/5 30 तो 5 से ऊपर गुणा करेंगे 5/7 35 तो भी हम देखेंगे कि ये वाला बड़ा है दूसरा वाला, तो दूसरा वाला ही बड़ा है। तो आप समझ गए जो ऑप्शन हमारा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा 7/6 मीन्स ऑप्शन नंबर बी, बड़ा भिन्न है या बड़ी भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई धन 15 वर्ष 6 माह में तिगुना हो जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और कोई बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, कोई थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। जैसे अभी यहां देख लें इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 15 वर्ष 6 माह में तिगुना हो जाता है, तो समय एक तरफ लिख दें कितना 15 वर्ष और 6 माह, 15 वर्ष मीन्स ईयर और 6 मंथ में कितना हो जा रहा है 3 गुना, और दूसरा क्या मामला है कितने समय में यह दुगुना होगा, तो कितने समय में दुगुना होगा 2 गुना हो जाएगा। तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर लें, क्या यूज करेंगे T1 अपॉन T2
इक्वल टू एन माइन एन क्या आप एन वन माइनस वन अपॉन एन टू माइनस वन। देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपके लिए तो ऐसे ही आपको आ जाता जैसे आपने लिख लिया था, अभी अपने आप ही आप इसको कर लेते। लेकिन चलिए अब देख लें एन वन क्या है, एन वन जो है थ्री है और एन टू क्या है, एन टू टू है। तो एन वन की जगह पर अगर हम वैल्यू रखें तो एन वन की जगह पर हो जाएगा थ्री माइनस वन और एन टू की जगह पर हो जाएगा टू और माइनस वन है तो माइनस वन। और टी वन की जगह पर क्या रखना है हमें, पंद्रह वर्ष और छह माह। अब जरा ध्यान दे कि दोनों एक ही चीज होनी चाहिए, या तो वर्ष हो या फिर माह हो। आप ऐसा करें छह माह को क्या करें वर्ष बना लें। छह महीने का मतलब कितना वर्ष हो जाएगा, छह महीने का मतलब, छह माह का मतलब आधा वर्ष, और आधा वर्ष का मतलब दो से एक को भाग दें तो दशमलव पांच वर्ष आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पंद्रह वर्ष तो पूरा ही है तो हो जाएगा पंद्रह दशमलव पांच वर्ष ये हो जाएगा। तो हम जो है टी मीन्स जो पहला टाइम है, टाइम मीन्स समय, उसकी जगह पर हम लिखेंगे क्या पंद्रह दशमलव पांच। अब जरा देखिए हमें टी टू ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना होता है उसको हम ऊपर की ओर एक तरफ कर लें और देखें। चलिए पहले लिख लेते हैं एक बार और आगे, ये हो जाएगा पंद्रह दशमलव पांच और बटा टी टू इक्वल टू तीन में से एक घटा देंगे दो और दो में से एक घटाएंगे तो एक, इससे इधर गुणा कर दो और इससे इधर और टू को यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा पंद्रह दशमलव, हमें करना क्या है, जो हमें पंद्रह दशमलव पांच मिला है उसमें गुणा कितने से हो जाएगा एक से, और बटा नीचे की ओर क्या आएगा टू और टी टू चला जाएगा उधर। अब हम देखें पंद्रह दशमलव दो एक कम पंद्रह दशमलव दो हो जाएगा और पंद्रह दशमलव दो को दो से भाग दे दें, दो से भाग देंगे तो देखिए दो सत्ते चौदह। और आगे देखते हैं एक बचेगा, दशमलव लगा देंगे, फिर पांच है पंद्रह तो दो सत्ते फिर चौदह, फिर एक बचेगा तो दशमलव लगा है तो दस हो जाएगा, दो पंजे दस। इस प्रकार से जो दूसरा वाला समय आया वो सात दशमलव सात पांच वर्ष आया। अब सात दशमलव सात पांच वर्ष को हम क्या करें, एक तो क्लियर हुआ कि सात वर्ष है ये तो कंप्लीट है ना, सात दशमलव सात पांच वर्ष में सात वर्ष तो पूर्ण वर्ष है, आपको तो इतने से ही आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए पहले ऑप्शन में छह वर्ष है, दूसरे ऑप्शन में आठ वर्ष है, तीसरे ऑप्शन में यहां देखिए सात वर्ष है और नौ वर्ष है, तो सात वर्ष वाला हमारा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन आप जरा समझ भी लें कि सात दशमलव सात पांच वर्ष को हम सात वर्ष और नौ माह कैसे समझेंगे। तो देखिए वर्ष को, ये तो सात वर्ष है ये कंप्लीट है, अब दशमलव सात पांच वर्ष है, वर्ष को माह में बदलने के लिए मतलब बड़े को छोटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। आप 12 से गुणा करेंगे, क्यों 12 से ही करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, और ये जो है अगर हम दशमलव सात पांच जो भिन्न में है जो कंप्लीट नहीं है इसको अगर 12 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, महीने में बदल जाएगा। तो क्या करेंगे, सात दशमलव सात पांच को 12 से जब गुणा करेंगे हम तो आएगा कितना आएगा भाई, देखिए 12 पंजे 0 हासिल 6 और 12 84 और 6 90। इस प्रकार से दशमलव के बाद दो अंक है तो यहां दशमलव लगा देंगे तो आ गया 9। इसका मतलब 7 वर्ष और 9 माह, हमने वर्ष को माह बना लिया।
क्योंकि ये वर्ष में था और माह बना लिया तो 12 से करना पड़ा और 9 माह बन गया, तो 7 वर्ष और 12 माह आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, या फिर आप 7 से ही समझ लेते तो आपका क्लियर था, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अंकित मूल्य क्या है, ये तो आपको पता नहीं है। आप मान लें कि 100 रुपए है, अंकित मूल्य क्या है 100 रुपए है, तो क्रय मूल्य कितना है 64%। क्रय मूल्य फिर कितना है 64%। तो जरा देखें कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया अंकित मूल्य है तो 64% मीन्स 64 रुपया हो गया, 100 में से 64 मीन्स 64 रुपया 64%, 64 रुपया हो गया क्रय मूल्य। कब? जब अंकित मूल्य आप 100 मान लें, मान अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 64 रुपया। और दूसरी बात क्या कह रहा है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। छूट कितना दे रहा है, खरीद पर 12%, तो बेच कितने प्रतिशत में रहा है 88% में बेच रहा है, 12% छोड़ दे रहा है, मतलब 100 रुपया अंकित है, अब तो 100 रुपये में 12% मीन 12 रुपया छोड़ेगा, तो बेचेगा कितने का 88 का बेचेगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 88 रुपया। अब देखिए प्रतिशत लाभ, विक्रय मूल्य जब ज्यादा का बेच रहा है और कम का खरीदा था तो ज्यादा का बेच रहा है तो क्या हुआ, लाभ हुआ, और जब लाभ होगा तो लाभ कितना हुआ उसके लिए करेंगे 88 में से 64 को घटा देंगे, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 24 रुपए का उसको लाभ हो गया। अब लाभ 24 रुपए का हुआ, लेकिन हमें जो उत्तर निकालना है, आंसर जो ज्ञात करना है, वो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या प्रतिशत लाभ? तो प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला है वो है लाभ बटा क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 100। बस अब आप आसानी से इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 8 + 3 = 24 और 8 + 8 = 64, और अब क्या करें 4 से फिर काट दें, 4 × 8 और 4 से इसको काटेंगे तो आएगा 25, यहां तो 3 है ही, अब क्या करेंगे 25 × 75/2, 2 से भाग दें तो 2 × 3 = 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 1 बचेगा दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, इस प्रकार से 37.5% हमारा आंसर है, 37.5%। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये आता है तो, अगर देखिए बार बार आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, कुछ है नहीं, 100 रुपए अंकित मूल्य है, 64 का खरीदा, 12 रुपए छोड़ दिया तो 88 का बेचा, और 88 × 64 = 24, 24 को आप निकाल लें प्रतिशत लाभ, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए यहां आप क्या करें, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में सीपी, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी के बराबर है, तो बराबर हमने कर दिया, ये इसके बराबर है तो हमने इसके बराबर कर दिया। तो चलिए जरा देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, हम जरा देखें सीपी बटा एसपी अगर लिखें, मतलब इसको अगर क्रॉस डिवीजन में ले आए तो ये 20 भी तो उधर चला जाएगा नीचे, मतलब एक्स बटा 20 हो जाएगा। तो देखिए जरा सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस एक्स है,
और सेलिंग प्राइस क्या है, 20 रुपया है। तो आप समझ रहे हैं, आपको ज्ञात क्या करना है, यदि लाभ 25% है, आपके क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि लाभ हुआ है, कितना है 25%, तब आपको ज्ञात करना है x का मान। यहां x नहीं लिखा गया है क्वेश्चन में, नहीं प्रिंट हो पाया है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए लाभ बराबर क्या होगा, लाभ हुआ ना, ये तो क्लियर हो गया लाभ हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने का बेचा उसमें उससे जितने खरीदे थे उसको घटा दें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना 20, 20 माइनस एक्स लाभ हो गया, और लाभ जब हमें मिल गया तो हमारे पास क्रय मूल्य है क्या एक्स, और लाभ प्रतिशत कितना है 25, और गुणा 100 इस प्रकार से। तो चलिए इसको थोड़ा अलग कर दें, तो देखिए लाभ प्रतिशत आपको दिया है और फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत 25% है, वो हमने कर दिया, और अब देख लें इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व जब करेंगे तो कैसे होगा इसका आप ध्यान दें, अब देखेंगे ये 100 जो गुणा में है, हम 100 इसको भाग में ले आए, चाहे इस तरह कर लें, चाहे गुणा में है तो 25 एकम 25, 25 चौको 100 यही कर दें, जो आप समझे वैसा कर सकते हैं। तो आप देखिए 20 ऋण x बराबर, ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस ऐसे आप गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 25 गुणा x मीन्स 25x, और नीचे आ जाएगा क्या ये 100। आप चाहे यहां लाएं या चाहे ना लाएं, दोनों तरीके से ये सॉल्व हो सकता था, लेकिन हम इसको यहां लेकर आ गए कि कुछ छोटा हो जाए काटने के लिए, 25 एकम 25, 25 चौको 100, करना तो वही है, फिर इधर गुणा करना पड़ेगा, तो चाहे हम 100 कर देते तो भी हो जाता। चलिए हम इसको यहां नहीं लाते हैं, और या चलिए अब 4 से ही गुणा कर दें, तो 4 से अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 20 चौका 80 ऋण 4x बराबर x से 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा x से कम x। अब आप क्या करेंगे, x 80 इज इक्वल टू x वालों को एक तरफ कर लें, ये 4x ऋण का है, जब उस पार जाएगा पक्षांतर होकर तो धन का 4x हो जाएगा, दोनों मिलाकर हो जाएगा 5x बराबर 80 और x बराबर 80 बटा 5, 5 से 80 को भाग देंगे तो 16 5 16 बार x की वैल्यू आ गई 16। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें x का मान ज्ञात करना था, और x हमें मिल गया क्या 16। तो हमारा जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 603 का एक तिहाई 67 का कितना प्रतिशत है, बहुत आसान है ये भी, देखिए क्या करेंगे, जैसा कहे वैसा ही कर दीजिए, 603 का मीन्स गुणा एक तिहाई मीन्स 1/3, 603 का एक तिहाई 67 का कितना प्रतिशत है, तो 67 का कितना आपको पता ही नहीं है तो आप x मान लीजिए, कितना प्रतिशत है आपने मान लिया, कि मान लिया x प्रतिशत, बस इतना लिख दिया आपने, अब समझ लीजिए ये सॉल्व हो गया, बहुत आसान हो गया आपके लिए, 3 एकम 3 और इसको आप भाग दे दें, 3 दूना 6 0, 3 एकम 3 201 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 201 ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये क्रॉस डिवीजन, 201
गुणा 100 बटा 67। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें f की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको एक तरफ अलग रख लेंगे। अब देखें जरा, 67 से 3 बार भाग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18 और 2 20, 3 बार, तो 100 गुणा 3 बराबर 300 आ गया, x की वैल्यू आई 300। हमने x क्या माना था, कितना प्रतिशत, तो हमने x प्रतिशत मान लिया था, तो कितना प्रतिशत होगा, 300%, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा, 300%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत लंबा नहीं करना होता। देखिए गुणा भाग करने में थोड़ा सा हमको एक दो बार लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, नहीं और भी ये एक ही लाइन में काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2x-13 और 2x-11, 2x-9, 2x-7 क्रमागत हैं। अब ये क्रमागत तो हैं, ठीक है, लेकिन जरा देखिए सम संख्याएं हैं कि विषम संख्याएं हैं कि प्राकृत संख्याएं हैं कि अभाज्य संख्याएं हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब 2 से गुणा करके कोई संख्या लिखी गई हो, यहां 2x है और 2x देखिए सब में शामिल है, 2x-13 और 2x-11, 2x-9, 2x-7, तो 2x का मतलब है कि 2 से ये गुणा है। जब 2x है तो 2x 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये क्या है, 2 से भाग चला जाएगा तो आएगा उत्तर x। ये क्या है 2x, 2x जो है सम संख्या है, ये आपको समझना है। और देखिए जरा 13, 11, 9 और 7 ये सब क्या है, सब विषम संख्या है, ये 2 से एक भी विभाज्य नहीं है, 13 में भी 2 से नहीं जाएगा, 11 में भी, 9 में भी और 7 में भी। तो एक सम संख्या से विषम संख्या घटाई जाए, अगर एक सम संख्या से विषम संख्या घटाई जाए तो आंसर क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। ये आपको याद रखना है कि सम संख्या से अगर विषम संख्या घटाई जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। तो इसका मतलब इनसे जो रिजल्ट प्राप्त होगा सब विषम संख्याएं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, क्या होगा, विषम संख्याएं होंगी। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए एक सम संख्या आप ले लें 6 और उसमें से एक विषम संख्या अगर 3 तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, या एक घटाएं, कोई भी विषम संख्या घटाएं, एक घटाएं तो आपको 5 मिलेगा और आप जो है 5 घटाएं तो आपको 1 मिलेगा, सब विषम संख्या फिर मिलेंगी। तो देखिए इस प्रकार से ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसको समझना जरूरी था। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है तथा परिमाप 60 सेमी है, तो आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है। देखिए जब भी अनुपात में कुछ दिया हो और एक्चुअल में अगर हमें इसे मानना हो तो हम मान सकते हैं 2x और 1x। 1x का मतलब 1 गुणा x, मतलब ये हो जाएगा वास्तविक जो इसकी लंबाई अगर हम मान लें तो ये 2x मान लेंगे और इसको x से गुणा करेंगे तो x कम x मान लेते हैं। अब लंबाई हो गई 2x और चौड़ाई हो गई x, तो आप जरा ध्यान दें परिमाप आपको दिया गया है। परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई धन चौड़ाई और परिमाप कितना हो गया है 60, ये आपको दिया गया है। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया परिमाप का और जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा तो हो रहा है, इसको सॉल्व कर ले। अब 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, 3x में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x बराबर 60। तो x की वैल्यू देखेंगे 60 बटा 6 और 6 × 6 = 60, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 10। हमने x की वैल्यू जब 10 देख ली तो हमें जरा देखिए ये 2x है, 2x का मतलब 2 गुणा x और 2 गुणा x का मतलब 2 गुणा 10,
मतलब ये आ गया 20, और अब ये 20 हो गया लंबाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपका, लंबाई हो गई 20 और चौड़ाई 10। जब लंबाई 20 और चौड़ाई 10, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा, चलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब हुआ लंबाई कितनी आई 20 और गुणा चौड़ाई 10, का मतलब 200 वर्ग सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेमी। तो हमारा आंसर आ गया 200 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। तो देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन परीक्षा में जो आते हैं इस तरह के, वो बहुत ही टफ नहीं होते, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत गुणा भाग करके हम उनको निकाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, फॉर्मूले थोड़ा सा माइंड में होने चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।